नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एचएस टेक्निकल चैनल पे एंड कंपनी का ई सपोर्ट का 7.1 एचडी साउंड सराउंड साउंड ऑडियो अडॉप्टर है। ये एक्सटर्नल अडॉप्टर है, यूएसबी बेस। इसमें सारे फंक्शन है, गेमिंग, म्यूजिक, ऑनलाइन टॉक, 3D साउंड। तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जो आज हमने मंगाया है अमेजोन से। ये मात्र 400 रुपीज़ की आइटम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक हम आपको दे देंगे। ये किस काम आता है? अगर आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप, कोई भी कंप्यूटर है जिसका किसी वजह से इंटरनल साउंड कार्ड उड़ गया है, खराब हो गया है, डेड हो गया है, तो आपको उस कंप्यूटर का मदरबोर्ड पर वो प्लेट या चिप लगी होती है, उसे रिपेयर कराने की आवश्यकता नहीं है। आप अमेजोन से ये प्रोडक्ट मंगा सकते हैं। ये मात्र 400 रुपये का यूएसबी पोर्ट पर लग जाता है। इसके लिए कोई स्पेसिफाई यूएसबी पोर्ट भी नहीं चाहिए, भी आपको यूएसबी 3.0 चाहिए या फला चाहिए। इस पर कोई भी यूएसबी पोर्ट हो, उस पर प्लग एंड प्ले है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है प्रोडक्ट के फीचर। ये प्रोडक्ट प्लग एंड प्ले है, HD 7.1 सराउंड साउंड है, सपोर्ट एयरफोन है, हेडफोन है, गेमिंग हैंडसेट है, माइक्रोफोन है, ETC है, प्लग एंड प्ले एंड इंस्टेंट ऑडियो प्लेबैक आल्सो, एंड कंपैटिबल विद ऑल मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम। साउंड कार्ड और ऑप्टर इंटरफेस USB है, 1 ईयर वारंटी है। तो एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। MRP है आपके सामने 1499, यानी कि 1500 रुपये, परंतु ये केवल और केवल 400 रुपये का प्रोडक्ट है जो हमें अमेजोन से मिला है। बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो अभी हम इस प्रोडक्ट को आउट करते हैं यहाँ से, तो देखते हैं कैसी पैकिंग के साथ आया ये। तो देखिए, बेहतरीन पैकिंग के साथ ये प्रोडक्ट आता है मार्केट से, बिल्कुल सॉफ्ट पैकिंग। अगर हम इसे निकालें तो ये यूनिट हमारे पास आया है। यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों, USB है ये, नॉर्मल USB पॉइंट 2.0 या 3.0। यहाँ पर कुछ फंक्शन आपके दिए हुए हैं। ये माइक को ऑन ऑफ करने का बटन है, ये साउंड या हेडफोन को ऑन ऑफ करने का बटन, ये एनालॉग साउंड एडजस्टर है जिसके जरिए आप वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये काम कंप्यूटर से भी हो जाता है, बट आप इसके द्वारा भी इसे कर सकते हैं बड़ी बेहतरीन से। 3 आउटपुट पॉइंट मिलेंगे, माइक, हेडफोन विद माइक एंड ओनली हेडफोन, 3 आउटपुट पॉइंट है। पिंक वाला है, देख सकते हैं माइक। अगर आपके पास केवल माइक का स्लॉट है तो वो पिंक वाले में लगा दीजिए। आपके पास ऐसा हैंडसेट है जिसमें हेडफोन भी है और इंक्लूडिंग माइक है तो आप बीच वाले में लगाएं। जो आप मोबाइल का जैक होता है 3.5 mm, उसमें माइक और दोनों स्पीकर होते हैं। अगर आपके पास केवल हेडफोन है विदाउट माइक, देख सकते हैं केवल हेडफोन, 3 बटन है, माइक, हेडफोन विद माइक एंड ओनली हेडफोन, तो इस ग्रीन वाले में लगा दीजिए स्पीकर या माइक। तो तीनों पे कंपैटिबल है, तीनों पे काम करता है। तो ये प्रोडक्ट बेहतरीन है। हम आपको फिर दोबारा दिखा दें, ANT कंपनी के ई सपोर्ट का है, बिल्कुल बेहतरीन प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के साथ। बैक से भी दिखा दें, ओरिजिनलिटी का स्टिकर लगा हुआ है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, USB बेस है, कॉस्ट वाइज बहुत कम है। अगर आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप रिपेयर करवाने जाएंगे ENT का ये ना ला के, तो आपको काफ़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। करीबन करीबन आपको रिपेयरिंग वाला ही आपसे 400-500 रुपये ले लेगा। 400 रुपये में ये 7.1 HD सराउंड साउंड अडोप्टर मंगाए जो USB बेस है। आपके किसी भी डिवाइस पे लग जाएगा जिसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर आप लगाएं और इन्जॉय कीजिए। मेरे पास एक डेस्कटॉप कंप्यूटर डेल का, जिसमें मुझे साउंड कार्ड इंटरनली चिप जो है वो ख़राब है, तो उसे ना लगवाकर मैंने ये मंगवाया है। इसको USB पे लगाएंगे। अभी आपको लेकर चलते हैं प्रैक्टिकल स्क्रीन पे, वहाँ पे आपको इस पे USB पे लगा के साउंड आउटपुट ला के, उससे पहले कंप्यूटर में जो साउंड डिटेक्शन प्रॉब्लम है, जो एरर है, वो भी दिखाएंगे। तो आप इस वीडियो पे बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी हम ऐसी नोटिफिकेशन वीडियो आपके लिए लाएं तो ये वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको पसंद आए। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। परंतु इसका नेक्स्ट पार्ट भी हमने इसके साथ प्लग इन कर दिया है, जिसमें हमने इसकी आउटपुट भी आपको चला के यूज़ करके दिखाया है।
तो वो भी आप इस वीडियो में कंटिन्यू देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कंप्यूटर डेस्कटॉप है जिसका इंटरनली साउंड कार्ड नॉट वर्किंग है। हम आपको दिखा भी दें, साउंड के आइकॉन पे आप देख सकते हो क्रॉस का निशान है। इसका अर्थ है विंडो 10 ये कह रही है कि आपकी मशीन में साउंड कार्ड अवेलेबल नहीं है, या तो उसके ड्राइवर में प्रॉब्लम है या हार्डवेयर में प्रॉब्लम है। तो आपको बता दें या डिटेक्शन प्रॉब्लम फाउंड हो रहा है, क्योंकि इस कंप्यूटर में जो इंटरनल साउंड कार्ड है वो चिप खराब है, वो चिप काम ही नहीं करती। तो इसका सिंपल सा समाधान मैंने आपको अभी दिखाया है। ये हमारे पास डिवाइस है, ये डिवाइस जैसे ही हम इस पीसी में लगाएंगे तो ये वर्किंग करना शुरू कर देगा। तो अभी देख सकते हैं साउंड का कोई पॉइंट नहीं है। टेक्निकली भी दिखा दें, अगर हम माई कंप्यूटर में जाएंगे तो माई कंप्यूटर की, इस कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाते हैं अगर आप, तो वहाँ पर डिवाइस मैनेजर होता है, या डिवाइस मैनेजर, देन आप साउंड एंड वीडियो में देख सकते हैं। रेडमी के 3K प्रो हैंडसेट तो जुड़े हुए हैं जो ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड है इसके साथ, मगर साउंड का कोई भी रियल टैग या यहाँ चिप दिखाई देती है वो अवेलेबल नहीं है। जैसे ही हम इस डिवाइस को कंप्यूटर के साथ जोड़ेंगे तो यूएनपी नाम से एक हार्डवेयर फाउंड होगा और इस पीसी को एक साउंड मिल जाएगा। तो यहाँ आपको टेक्निकली भी दिखा रहा हूँ, साउंड के आइकॉन पे विंडो 11 में जो टास्क बार है टाइम के पास, वहाँ पे क्रॉस आ रहा है। टेक्निकली डिवाइस मैनेजर में देखें तो कोई साउंड वीडियो एंड गेम कंट्रोलर में यूनिट फाउंड नहीं हो रहा। तो अब हम इसे लगाते हैं कंप्यूटर की यूएसबी डिवाइस पे। तो ये मेरा कंप्यूटर है, इसकी मैंने यूएसबी पर जैसे इस डिवाइस को लगाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें इंडिकेशन आ गया है। ये रोटेट भी होता है साउंड बार, ये देखिए घूम सकता है ये, और साउंड को भी कम ज़्यादा करेगा। यहाँ दो बटन भी है, जिस बटन से साउंड ऑन ऑफ होगी, इससे माइक ऑन ऑफ होगा, और तीन इसमें ऑडियो जैक आउटपुट में मिलेंगे यूएसबी से। जो पिंक कलर का है वो माइक है, यहाँ दिखा दूँगा आपको, सिंबल भी दिया हुआ है, ये माइक का सिंबल दिखाई दे रहा है बिल्कुल क्लियर से। बीच वाला है हेडफोन के लिए, आपके पास ऐसा जैक है जिसमें हेडफोन या स्पीकर है प्लस माइक लगा हुआ है, यानी कि 3-in-1 है, जैसा हमारे मोबाइल में होता है। और तीसरा जैक है केवल हेडफोन यानी कि स्पीकरों के लिए। तो तीन आउटपुट है इसमें, पिंक वाला है माइक के लिए केवल, बीच वाला है स्पीकर और माइक दोनों सिंगल ऑक्स केबल में उपलब्ध है, तो यहाँ पे, और लास्ट है ग्रीन जिसमें केवल माइक नहीं है, केवल स्पीकर या हेडफोन लग सकते हैं विदाउट माइक वाले। तो तीनों फैसिलिटी इसमें आपको मिलती है। तो अब हम इस पर अपनी देर ना करते हुए अपने स्पीकर की वायर लगाते हैं। तो ये मेरा डिवाइस है और इस पर अब हम स्पीकर लगाने जा रहे हैं। तो ये मेरे पास स्पीकर है छोटे से, इनकी वायर मैं लगा लेता हूँ ग्रीन वाले पे। ये देखिए, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो साउंड आ रही है, और अभी जैसे ही मैं इस पे ग्रीन वाले पे इसको लगा देता हूँ और वॉल्यूम को फुल कर देता हूँ, तो अभी आप देखेंगे जैसे ही हमने डिवाइस लगा दिया है तो जो साउंड के आगे आइकॉन आ रहा था रेड क्रॉस का वो हट गया है। और डिवाइस मैनेजर में टेक्निकली देखें तो यूएसबी पीएनपी ऑडियो डिवाइस अवेलेबल आ गया है। तो ये देखिए, आपके लिए हमने इसको टेस्ट भी करके दिखा दिया। और ये प्लग एंड प्ले है दोस्तों, कोई ड्राइवर नहीं डालना, कोई कुछ नहीं डालना, आप इसको प्लग एंड प्ले कर सकते। साउंड आ रही है इसी कंप्यूटर से, ये देखें, यहाँ से देखें तो साउंड फुल की हुई है मैंने, और यूट्यूब का भी फुल है। तो ये साउंड कार्ड काम कर रहा है, प्लग एंड प्ले है, कोई ड्राइवर डालने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ डालने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से मैं दिखा दूँ आपको, अगर इसमें इसको कम करता हूँ तो वॉल्यूम डाउन हो जाएगी। देखिए, एनालॉग भी आप वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं, देखिए पूरा बंद हो गया, और एनालॉग भी आप वॉल्यूम को चला सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बटन पे क्लिक कर देंगे तो साउंड यहाँ से एनालॉग रूप से बंद हो जाएगी, जैसे आप म्यूट करते हैं यहाँ से भी म्यूट और म्यूट करते हैं। इसी तरह से ये माइक के लिए, यहाँ रेड लाइट आ गई, माइक ऑन, अब माइक ऑफ। यहाँ से आप मैन्युअली भी इस साउंड कार्ड से भी माइक और साउंड को ऑपरेट कर सकते हैं।
वॉल्यूम कम ज़्यादा का बटन भी है इसमें और वहाँ से भी है, तो है ना बेहतरीन डिवाइस केवल 400 रुपए में। तो ये बेहतरीन डिवाइस ENT कंपनी का, जिसके ज़रिए आप अपने साउंड को मैनेज कर सकते हैं, बेहतरीन कंपनी का। अगर आपका कंप्यूटर ख़राब हो गया है तो उसको ओपन ना करें, कुछ भी ना करें, केवल 400 रुपीज़ में ये डिवाइस USB पे लग जाएगा। बेहतरीन ऑप्शन, माइक, साउंड, हेडफोन, सब पॉइंट्स आपके कंप्यूटर के USB के थ्रू बन जाएंगे। तो इस बेहतरीन प्रोडक्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब तक चैनल पर बने रहें, और थैंक यू एंड बाय बाय।